अति प्रसन्न पुत्र सोम बनी सोम उठो निशम, इतने भी लीन मत हो, उठ जाओ पुत्र। सुरेश भाई, सुरेश भाई, रबिया का वो, और महादेव जी, ओ महादेव जी, ओ महादेव जी। तेरा पूरा लेवल लेवल जी, हाँ बस व्यवस्थित है। प्रणाम भगवान, खुश रहो, सदा सुखी रहो। प्रणाम भगवान, खुश रहो, सदा आबाद रहो। बोलो क्यों याद किया मुझे? बोले ना, आप तो अंतर्यामी हो, आपको पूरा एहसास होगा कि हमने आपको क्यों याद किया। वो तो है, बोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, क्या मांगते हो? भोलेनाथ, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हो और हमें कुछ देना चाहते हो, बोलो भगवान, बोलो क्या मांगते हो? भगवान, पहले आपको वचन देना होगा। वचन तो मैं दे दूंगा, मांगो, पहले मांगो, क्या मांगते हो? भोलेनाथ, अगर आप इस शुंभ और निशुंभ की तपस्या से प्रसन्न हो और हमें कुछ वरदान देना चाहते हो तो सुनो, हमें अभय वरदान चाहिए। अभय वरदान, और कुछ मांग लो पुत्र, धन दौलत शौहरत, अभय वरदान तो मैं नहीं दे सकता। भोलेनाथ, धन दौलत हमारे पास बहुत है और आपने हमें वचन दिया है, तथा हस्तु कहा है हमें, या तो हमें वरदान दो और या फिर। ठीक है, मैं वरदान तो दे दूंगा, लेकिन उसका गलत उपयोग नहीं करोगे, इसका मेरे को वचन दो। हाँ भोलेनाथ, ये देतिराज निशुम आपको ये वचन देता है कि आपके दिए हुए वर का कहीं गलत उपयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें अभय वरदान देता हूँ, लेकिन उसका उपयोग गलत हुआ तो मेरे बस में भी कुछ नहीं रहेगा, और पता तो सोम। हाँ भैया, इस पकड़े ने हमें अभय वरदान देकर कितनी बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, और हमने भी उसे वचन दे दिया कि तुम्हारे दिए हुए वरदान का हम कहीं गलत उपयोग नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करें? हम दानव है, दानव कभी भी अपनी बात पे अड़े नहीं रहते, हमें
अभय वरदान का फायदा उठाना चाहिए। हाँ सोम, क्योंकि हम दानव है, वैद्यराज है, हम जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। पिछले सोम अब हम ब्रह्मलोक जाएंगे और ब्रह्मलोक हमारे अधीन करेंगे। सोम, हाँ भैया नहीं सोम, ब्रह्मलोक जाने की तैयारी करो। चले